नमस्कार साथियों, YouTube चैनल Facebook पेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका कन्हैयालाल फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। हमें आपसे है कि हम अनुरोध करते हैं कि हम जो भी कोई कार्य होते हैं या बाहर भी कोई भी कार्य के लिए हम जाकर जैसे जानकारी के वीडियो अपलोड कर आप दर्शकों तक पहुंचाते हैं हमेशा के हमेशा लिए। हमारे घर पर भी कोई ऐसा कार्य होती है तब भी हमें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छे कार्य हो रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं, अच्छी जानकारी के वीडियो अपलोड कर आप तक हम पहुंचाते हैं। तो हमें एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे जैसे आगामी 21 फरवरी 2023 को हमारे लड़के की शादी का प्रोग्राम है। सबसे पहले तो मैं हमारे जैसे इष्ट देवताओं की कृपा से आप तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि आपको बहुत बहुत बधाई हो। इससे अलावा हमारे घर में जब शादी का कोई प्रोग्राम होता है तब हमें बड़ी खुशी की बात होती है और हम कोई काम है वो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये काम है वो आरम्भ किया है। जैसे हमारे घर में जैसे फर्नीचर का कार्य होता है, जो भी फर्नीचर के आइटम होते हैं, कई प्रकार के आइटम आते हैं फर्नीचरों में, आप जानते ही हो, जैसे गोदरेज, अलमारी वगैरह, बेड, सोफे, ऐसे तो मैं ड्रेसिंग टेबल, जैसे हमारे मिस्त्री जी हैं उनसे थोड़ा रूबरू कराऊँगा आपसे क्या क्या आइटम होते हैं, लेकिन कई प्रकार के आइटम होते हैं। तो हमारे घर पर ये फर्नीचर का कार्य चल रहे हैं। दोस्तों, आपको भी कभी ज़रूरत होगी कि हम भी फर्नीचर बनाएं, तो इसके लिए हम ये वीडियो आपसे आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपको इधर उधर मिस्त्री के लिए भटकना पड़ेगा कि हमें फर्नीचर बनाए तो अच्छा बनाए। अच्छे फर्नीचर के लिए कौन से मिस्त्री की ज़रूरत होती है? मिस्त्री एक ऐसे होते हैं, वो मिस्त्री अपने आप बनने से कोई मिस्त्री नहीं होता। मिस्त्री वही होते हैं जो कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं और बाहर भी उसका काम किया हो। तो हमारे इसके विषय में मिस्त्री जी है उलासजी सुतार, राजाश्री बिकान के, और ये वीडियो है वो राजाश्री बिकान के ही है। अभी ये फर्नीचर का कार्य कर रहे हैं उलासजी सुतार। उलासजी सुतार से मैं आप तक रूबरू करवाऊँगा, कठिन से कठिन कार्य फर्नीचर के उलासजी सुतार है वो कर देते हैं। जैसे कई प्रकार के फर्नीचरों में कई कई आइटम आते हैं, क्या क्या आइटम आते हैं इसके विषय में मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि कौन से आइटम बना सकते हैं। सारे ही बना सकते हैं जो फर्नीचर में बनते हैं। यह करीब लगभग 4-5 दिनों से हमारे घर पर ये काम कर रहे हैं। सामने जो ये फर्नीचर का आइटम जो ये खांचे रखे हुए हैं वो जैसे मकानों में एक जैसे जो हमारे सामान रखने की जो सीटें होती है जैसे लटान वगैरह भी बोलते हैं मारवाड़ी में, तो उसके आगे फर्नीचर का जो ये फ्रेम बनाया हुआ है और इसके आगे गेट भी लगेगा और कैसे लगेगा और क्या क्या आइटम बनाएंगे इसके विषय में थोड़ा मैं उलास जी से संपर्क करूंगा। तो चलिए उलास जी के नज़दीक चलते हैं थोड़ा। उलास जी, राम राम साह। राम राम साह। और क्या हाल है? हाल बढ़िया है, चल रहा है, फर्नीचर का काम चालू है। उलास जी, आप बताइए दर्शकों तक कि आप जो ये फर्नीचर बना रहे हो तो ये सामने वाला जो फ्रेम है इसमें क्या क्या जैसे आइटम बन रहा है, कैसे बनेगा ये आप थोड़ा बताइए हमें। इसमें दो शटर रहेगा, उसका दो शटर रहेगा। अच्छा। दो इनका रहेगा, दो इनका रहेगा, एक एक शटर ये नीचे। अच्छा। का ड्रेसिंग बन जाएगा। अच्छा। और इसमें पूरा ग्लास आ जाएगा शटर में, इसमें शीशा लगा जाएगा, पूरा शीशा आएगा। अच्छा। मिरर। अच्छा। मुंह देखने के लिए मिरर आएगा, ये शर्ट खुल जाएगा। अच्छा। और इस नीचे ड्रॉवर आएगा। अच्छा। यहाँ पे चोर बल्ला है। अच्छा। और नीचे एक शेल्फ भी है, एक शेल्फ ये दिया है, यहाँ पे हैंगर लगेगा। थोड़ा मैं अनुरोध करूंगा कि एक एक शब्द आप इसमें बताओ कि ये गोदरेज है वो इनके साथ ये गोदरेज बन गया, ये गोदरेज बन गया मान लो। नहीं 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 सुनिए कि गोदरेज है वो मतलब अलग से नहीं लाना पड़ेगा इनके साथ? नहीं, अलग से कोई जरूरत नहीं है, घर में बन गया फिक्स। अच्छा, इनके साथ ये लाएंगे तो बोल लेंगे एक बनेगा। अच्छा। और इसके लिए दो बन गया। अच्छा। एक एक्स्ट्रा बन गया। अच्छा। और ड्रेसिंग भी बन गया साथ में। अच्छा। पर ये यूज हो गया, इधर उधर निकालो जगह के लिए इसके। अच्छा, आप जो ये गेट बना रखे इसके ऊपर सनमाइका लगेगा? इसके ऊपर सनमाइका लगेगा ये वाला। अच्छा, ये
ये वाला सरमे का ये डिजाइन रहेगा दरवाजे का। अच्छा, ये दरवाजे का डिजाइन, ये दरवाजे का डिजाइन है। एक पट्टा एक वाइट रहेगा, दूसरा पट्टा इधर वाइट आएगा। देखिए दोस्तों, ये उलास जी मिस्त्री है, वो आपको जानकारी बता रहे हैं। ये गोदरेज बना रहे हैं, साथ में ये वाइट रहेगा, फ्रेम बना रहे हैं और अपने जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे बनेगा और ये सारे फर्नीचर के कार्य किए जा रहे हैं। और उलास जी, आप इसी जो ये कार्य करते हो तो और क्या क्या आइटम बनाओगे? अभी एक बेड बनाना बाकी है। अच्छा, इसमें एक टीवी नेट बनेगा इस साइड में। अच्छा, इसमें एक टीवी नेट और बनेगा। एक टीवी नेट बनेगा, इसका एक बेड बनेगा। अच्छा, एक बेड बनेगा, इसका पूरा फ्रेमिंग होगा। और सोफा भी बनेगा? एक सोफा बनेगा, एक सोफा बनेगा, एक सोफा बनेगा, एक बेड बनेगा, एक ड्रेसिंग बनेगा। अच्छा, ड्रेसिंग साथ में आई गया। अच्छा, ड्रेसिंग साथ में आई गया। और आप बताइए, आपको दर्शक है वो इंतजार कर रहे होंगे कि हम भी इसी मिस्त्री से कोई आइटम बनाए, तो आप और क्या क्या आइटम बना सकते हो? जो भी आइटम है, कोई भी फर्नीचर में कोई सा आइटम, कोई भी आइटम है, सोफा है, सोफे बेड है। और लाल जी, मैंने सुना है कि आपका बम्बई में भी कार्य किया हुआ है। 24 साल। अच्छा, 24 साल दोस्तों, बहुत अच्छे मिस्त्री है फर्नीचर के। जो 24 साल से वो बम्बई में कार्य किए थे और अब यहाँ पर कर रहे हैं। और आपको मैं ये दर्शक चाहने जा रहा हूँ, और ये फेविकॉल लगा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये इसकी गारंटी द्वारा ये औलाद ये फेविकॉल से जो ये सनमाइका लग रही है वो कभी चिप जाएगी? उतरने का चांस ही नहीं है, उतरने का चांस ही नहीं है। पहले भी बेड बनाया आपका, कमरे में टीवी यूनिट बनाया, कहीं भी शिकायत नहीं है। इसी हमारे घर में औलाद जी का और भी कार्य किया हुआ है, बहुत अच्छा कार्य किया बनाया था। अच्छा, आपका उसको तो मोबाइल नंबर बता सकते हो? 91-67। अच्छा, 91-66-84-57-42। अच्छा, एक बार और बता दीजिए, 91-66-84-57-42। अच्छा, ये मेरा नंबर है। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। हमारी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर हमें उम्मीद है कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हर दर्शक है वो सोच रहे होगी कि हमने भी फर्नीचर का कार्य कराना है। तो आप राजश्री बिकान के जाने माने मिस्त्री औलाद जी सुतार, उनसे संपर्क कर सकते हो। हमारे घर पर अभी ये कार्य बना रहे हैं और काम बना रहे हैं फर्नीचर का, और बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। और हमारे जैसे आपको मैंने बताई दी, हमारे दर्शक वीडियो देखने वालों को, क्योंकि जैसे 21 फरवरी 2023 को हमारे जैसे लड़के की शादी का प्रोग्राम है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।